हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में आप लोग देखोगे हाउ टू रिन्यू योर यूएस वीजा, स्पेशली द B1 B2 कैटेगरी विच बिजनेस एंड टूरिस्ट वीजा। तो आप पूरी वीडियो एंड तक देखना ताकि आप भी अपना यूएस वीजा रिन्यू कर सको बिना किसी हैसल के। एंड मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो बिफोर स्टार्टिंग। तो अभी मैं हूँ गुड़गांव में और मैं जा रहा हूँ दिल्ली, दिल्ली में शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन, क्योंकि जो यूएस का वीजा एप्लीकेशन सेंटर इन दिल्ली है वो है शिवाजी स्टेडियम के बेसमेंट पे। आज है 28 अप्रैल, मेरी अपॉइंटमेंट है 1:15 बजे की। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि क्या स्टेप्स हैं यूएस वीजा रिन्यू कराने के, दैट टू इन अ ड्रॉप बॉक्स या फिर इंटरव्यू वेवर। तो अब बात करते हैं अगर हम स्टेप्स की, तो सबसे पहले तो आपको ये करना है कि यूएस का नॉन इमिग्रेंट वीज़ा फॉर्म भरना है विच इज़ कॉल्ड DS-160। तो DS-160 फॉर्म भरना सबसे पहला स्टेप है आपका। DS-160 आप लोग भरोगे, बहुत बड़ा सा फॉर्म है, मेरे ख्याल आपको आराम से 30-45 मिनट्स तो लगेंगे वो फॉर्म भरने में, मे बी 1 आवर भी लग जाए। तो DS-160 भरो सबसे पहला काम। वो फॉर्म भरने के बाद आपके पास एक यूनिक कोड जनरेट होगा उस फॉर्म का, यूनिक रेफरेंस जनरेट होगा उस फॉर्म का। अब आपको क्या करना है, यूएस वीज़ा की जाके वेबसाइट पे साइन अप करना है, अपना एक अकाउंट बनाना है। वहाँ जाके आपको एक पेमेंट करनी है जिसको बोलते हैं MR फी, कुछ तो बोलते हैं MR रिसिप्ट, ऐसा कुछ बोलते हैं। MR रिसिप्ट आपको जनरेट हो जाएगी पेमेंट करने के बाद। पेमेंट के मोड्स हैं, IMPS कर सकते हो आप या फिर बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हो। IMPS सबसे आसान है, मैंने IMPS ही किया था यूजिंग MMID। तो IMPS करो, आपकी पेमेंट हो जाएगी, आपकी रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी। रिसिप्ट जनरेट होने के बाद वो रिसिप्ट आपकी DS-160 के साथ अटैच हो जाएगी और ये होने के बाद आप अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर पाओगे। अब इसमें क्या एक चीज़ है, अभी तक जितना भी मैंने सब बोला आपको उस सब में कोई डिफरेंस नहीं है इंटरव्यू हो रहा है आपका या इंटरव्यू वेवर है, मतलब आप फ्रेश वीज़ा लगवा रहे हो या रिन्यू करा रहे हो, अभी तक स्टेप्स में कोई डिफरेंस नहीं था। बट डिफरेंस कहाँ पे आता है, जब आप अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर रहे होते हो ना, तो वो आपको एक क्वेश्चनेयर देते हैं, 10-12 सवाल पूछते हैं आपको और वो 10-12 सवाल के जवाब के बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं कि इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर अ इंटरव्यू वेवर प्रोग्राम और नॉट, कि आप ड्रॉप बॉक्स में जाके अपना बस डॉक्यूमेंट्स देके आप अपना वीज़ा रिन्यू कर सकते हो या नहीं। उसमें मैं आपको बता देता हूँ वैसे क्या सवाल थे, जैसे कि आपका पुराना वीज़ा सेम कैटेगरी में है या नहीं, आपका पुराना वीज़ा अभी भी वैलिड है या नहीं, या फिर अगर एक्सपायर हुआ तो कितनी देर पहले एक्सपायर हुआ था, ये सब सवाल। तो मैंने इन सब का जवाब दिया और मुझे पता चला कि आई एम एलिजिबल फॉर इंटरव्यू वेवर। तो अब मैंने अपना ड्रॉप बॉक्स अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर लिया दिल्ली के वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में, आज का 1:00 बजे का। डॉक्यूमेंट्स काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, एक फ़ोटोग्राफ है, पासपोर्ट्स, पुराने पासपोर्ट्स भी चाहिए उन्हें, DS-160 फॉर्म आपको प्रिंटआउट नहीं लेके जाना, पुराने पासपोर्ट चाहिए उन्हें, फोटोग्राफ की स्पेसिफिकेशन है 2 इंच बाय 2 इंच की फोटोग्राफ जिसमें 50-70% आपका फेस दिखना चाहिए, वो आप किसी भी फोटोग्राफर के पास जाओगे आपको दे देंगे। उसके बाद आपका अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन का पेज, DS-160 के कन्फर्मेशन का पेज, और फिर ना आ जाते हैं कैटेगरी वाइज कि B1 B2 के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे और अगर आप F1 लगवा रहे हो तो उसके लिए अलग चेकलिस्ट है, ऐसे ऐसे करके आप वो प्रॉपर चेकलिस्ट आ जाती है अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन पेज पे, तो आप वो पूरी चेकलिस्ट गो थ्रू कर सकते हो। तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो मैंने डॉक्यूमेंट सारे इकट्ठे कर लिए हैं, अब हम जा रहे हैं। तो वहाँ जाके मैं बताता हूँ आपको कि कितना टाइम लगा, क्या प्रोसीजर है, क्या डॉक्यूमेंट्स लिए, ये वो। अंदर ऑब्वियसली शूट तो मेरे को करने नहीं देंगे ये लोग, तो बट मैं आपको अब बाहर आके दिखाता हूँ कि मेरे से क्या क्या पूछा। ये है शिवाजी मेट्रो स्टेशन की एंट्री, इसकी बैक साइड से एंट्री होती है फॉर वीज़ा पर्पसेस। आ गए हैं शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन में, हो गया अपना प्रोसीजर ख़त्म, पूरी डिटेल्स गाड़ी में बैठ के सुनाता हूँ। पर यहाँ पे वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर यानी मेट्रो स्टेशन के बाहर आपको इतने सारे वो मिलेंगे ना लोग, जो प्रिंट आउट फ़ोटो, DS-160 करेक्शन, फलाना ढमकाना, और इतना ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं लोग। चलो जो भी, अपना तो एक ही बारी में हो गया, सारे डॉक्यूमेंट सही थे, पूरी डिटेल आपको बताता हूँ गाड़ी में बैठ के। मैंने वो रहा शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन, यहाँ ना आपको पार्किंग करना कहीं नहीं मिलेगा, तो आपको रोड क्रॉस करके सामने इस बिल्डिंग के फेस में पार्किंग चलानी पड़ेगी गाड़ी। हाँ जी, तो अब मैं आ गया हूँ गाड़ी में वापस और मेरा अपॉइंटमेंट हो गया, उन्होंने मेरा एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया ड्रॉप बॉक्स में।
या इंटरव्यू वेवर में। तो मैं अब आपको बता देता हूँ हुआ क्या। मेरी थी 1:15 PM की अपॉइंटमेंट और मैं एक घंटा पहले पहुँच गया था, 12:15 के आसपास पहुँच गया था। तो मैंने क्या किया, मैं अंदर चला गया, फिर भी मैंने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं, क्या पता जल्दी एप्लीकेशन को एंटरटेन कर लें। तो मैं गया, तो इनके ना जो शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन है उसके कॉन्कोर्स लेवल यानी एस्केलेटर लेके आप 2 फ्लोर नीचे जाओ, वहाँ पे US का वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर है, वहाँ बाहर ही आपका अपॉइंटमेंट कॉन्फर्मेशन लेटर चेक करेगा एक बंदा, वो देखेगा कि हाँ आपका अपॉइंटमेंट है, तो वो बोलेगा ओके आप क्यू में खड़े हो जाओ। तो मैं जस्ट क्यू में खड़ा ही हुआ था, 5 मिनट में मेरा नंबर आ गया, उन्होंने मेरे को अंदर भेजा और अंदर भेज के उन्होंने बस मेरे से लिया टोकन। वहाँ अंदर जाके ना एक टोकन मिलता है आपको, उन्होंने लिया मेरे से टोकन, मेरा अपॉइंटमेंट कॉन्फर्मेशन, मेरा DS-160 कॉन्फर्मेशन, मेरा करंट पासपोर्ट एंड ओल्ड पासपोर्ट जिसपे पुराना US वीज़ा था, और एक फ़ोटोग्राफ जिसकी स्पेसिफिकेशन उन्होंने अपनी वेबसाइट पे मेंशन करी हुई है। सिर्फ ये चीज़ें ली, और जब आप अपना अकाउंट साइन अप कर रहे होते हो और अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर रहे होते हो तो वो आपसे पूछते हैं कि आप अपना पासपोर्ट खुद कलेक्ट करोगे या आपको डिलीवरी चाहिए आपके घर पे। तो मैंने डिलीवरी सेलेक्ट किया हुआ था, तो बस मैंने ये डॉक्यूमेंट्स दिए और वो मैम ने मेरे को बोला कि आपका पासपोर्ट आपके घर पे ही आएगा क्योंकि आपने डिलीवरी का ऑप्शन चूज़ किया है, और ख़त्म। और मतलब टोटल पूरा प्रोसीजर एंड टू एंड मेरे को 30-35 मिनट्स लगे होंगे बस एंट्री से लेके एग्जिट तक, तो 30-35 मिनट में हो गया और अब मैं जा रहा हूँ। तो अब जब मेरा वीज़ा आएगा तो मैं आपको अपडेट देता हूँ। तो आज हो गए हैं 12 दिन जब मैं वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में अप्लाई करके आया था US का वीज़ा रिन्यूअल, तो आज 12th डे पे मेरे पास ये आ गया। और वो स्टेटस मैंने ऑनलाइन चेक किया था तो ये तो पता लग गया था कि वीज़ा इशू हो गया है, बस अब ये देखना है कि कितने टाइम का इशू हुआ है, होपफुली 10 साल का ही हो। तो खोल के देखते हैं, तो बस अब खोल के देखते हैं। वीज़ा तो लग गया है, ओके 10 साल का लग गया। ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि दिस हेल्प्स माई चैनल ग्रो टू मेक मोर कॉन्टेंट फॉर यू गाइज। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।